हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं अपने भाई के न्यू गाड़ी में बैठी हूँ और मेरा भाई ड्राइव कर रहा है। हेलो मत बोलना, तू उधर फोकस कर। सो आज मैं फर्स्ट टाइम अपने भाई के नए गाड़ी में बैठी हूँ। अभी पार्टी दिया नहीं है, छीनना है पार्टी। अभी तो कितना सारा पार्टी इसके तरफ से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरी बहन का फर्स्ट डिवीजन से अच्छे 80% था, तो उसके लिए यही पार्टी देगा और गाड़ी का पार्टी भी यही देगा, रक्षाबंधन का पार्टी भी यही देगा, सब यही देगा। मुंह तो देख लो इसका, अभी से मुंह लटक गया। चलो अभी एक महीना है, एक ही साथ बटोर के लेंगे, आईफोन 14 प्रो मैक्स दिला दे। और यहाँ पे मेरा बुग्गू खेल रहा है। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम क्वार्टर के लिए जाएंगे, क्वार्टर देखने जाएंगे। हमारा क्वार्टर आ गया है, मतलब क्वार्टर के लिए हम लोग अप्लाई किए थे, तो हमें मिल गया है रूम। तो वही हम जा रहे हैं अभी क्वार्टर देखने, डैमेज वगैरह देखेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि कैसा है। आगे गाड़ी में फौजी साहब जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं क्योंकि वो उनका कोर्स है अभी। तो मैं बोली कि आप वहीं रह जाइएगा, रूम वगैरह देख के आप कोर्स अपना अटेंड करिएगा और हम लोग आ जाएंगे वापस। तो इसलिए हम दो गाड़ी से जा रहे हैं। तो वही फिर वो वहाँ पे अपना कोर्स अटेंड करेंगे क्वार्टर देख के, और मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हैदराबाद का CISF का क्वार्टर कैसा होता है। और डैमेज वगैरह होगा तो उसके लिए फिर दूसरा क्वार्टर अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें भी प्रोसेस लगेगा। और वैसे तो पेंट वगैरह कराना होता है। बुकू भी बात कर रहा है, आगे नहीं आना है, मामा गाड़ी चला रहा है। चलो बैठो पीछे, बमाची गर्ल। नानी नीनी को बोलो हेलो, बोलो हेलो नीनी। हाँ बोला नीनी हेलो। राजा पकड़ी इसको। वैसे आज मैंने ये सुंदर सा येलो कलर का एकदम मतलब ऑरेंज येलो कलर जो होता है ना वो मैंने पहना है। ये मैंने बहुत टाइम के बाद, मैंने अपने शादी के टाइम में लिया हुआ था ये सूट, तो टाइट होता था, मैंने इसको लूज कर करके फिर कैसे एडजस्ट करके पहना है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे, इसका जो एम्ब्रॉयडरी है ना सुंदर लग रहा है। तो ये सूट मैंने पहना है और चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तब तक आप लोग थोड़ा सा व्यू देखो यहाँ का। ये आगे पुलिस की गाड़ी, हमारी वेन्यू। क्या ही व्यू देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे देखने वाला कुछ नहीं है। आगे है तो ये जो देख रहे हो आप लोग वो है CISF का ऑफिस है, मेन ऑफिस है यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी का। तो ये है मेन ऑफिस, कुछ भी होता है तो ये लोग यहीं आते हैं। और यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मतलब कैंटीन और ब्लॉक रेसिडेंशियल एरिया सब कहाँ है, ऑफिसर्स का कहाँ है। तो हमारा जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारा वहाँ पर क्वार्टर अलॉट हुआ था, लेकिन मतलब तो ये वो एरिया है। और रूम पहले हम गलती से गलत रूम में डूब गए थे, मतलब हमारे सामने एक रूम था तो हम उसमें चले गए थे पहले, तो हमें लगा कि ये तो रूम पूरा ख़राब है और पता नहीं बहुत अजीब सा गंदा सा स्मेल आ रहा था, कुछ सड़ा हुआ था या क्या, तेरा वाला ही है क्या, ऐसा स्मेल आ रहा था। फिर हम की चाबी देखे, चाबी में लिखा हुआ था कि ये वाला रूम है, तब हम समझे कि अच्छा ये तो गलत रूम में हम आ गए हैं। तो फिर हम वहीं गए, तो देखो यहाँ पे हम रास्ता खोज रहे जाने का, हम तो अभी यहीं से कैसे कैसे करके गए थे। तो ये है वो रूम जहाँ पे हम गलती से आ गए थे। ये मैं रूम दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ का CISF क्वार्टर का ऐसा रूम रहता है। हमारा जो सब इंस्पेक्टर है उनको 2 BHK मिलता है, कॉन्स्टेबल को 1 BHK, और इंस्पेक्टर और पहले था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेकिन अभी वो वाला पोस्ट हटा दिया है। तो ये था क्वार्टर। अब जो हम ये दिखा रहे, अब जो ये है ये हमारा क्वार्टर है जो हमें अलॉट हुआ है। यहाँ की टाइल्स टूटी फूटी है, यहाँ पे भी सीलन लगा है, देख लो आप।
तो ऐसे तो ओवरऑल ठीक है, यहाँ का बाथरूम भी ठीक है। ऐसे तो मैंने सुना है कि टॉयलेट सीट वगैरह सब टूटा रहता है, लेकिन इसकी यहाँ का जो टॉयलेट सीट था बाथरूम से सब ठीक था। लेकिन यही है प्रॉब्लम कि छत पे वो कंक्रीट और सीमेंट मिट्टी सब डाल के रखा है, तो जिसके वजह से सीलन पड़ पड़ के ना दीवार, मतलब छत देख लो आप कितना सीलन पड़ा हुआ है, और पानी भी टपकेगा यहाँ पे भी, देख लो किनारे में पानी टपकेगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि मम्मी बोल एक्सचेंज रही थी चेंज कि करा लें। इसी यहाँ का महीने एक ना शिफ्ट कबर्ड होगी का आगे, हम टूटा लोग हुआ का। है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, देख लो आप भी। ऐसे ओवरऑल ठीक है, जैसे कि पानी इधर से वगैरह, क्योंकि मैं पानी भी रहती लेने हूँ के लिए नीचे, जाना हो तो नीचे जाना हाँ ठीक है, पड़ेगा, वहां पे और नीचे लिफ्ट जाना ख़राब पड़ेगा। है। मैं सोची थी बाथरूम भी दिखाऊं, लेकिन फिर ये इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये बालकनी था, हाँ ये ये किचन बाथरूम है, बहुत सही है, इसका गीजर चल रहा और है क्या? जो अभी आप रूम देखे थे वो हॉल है। इसमें यहाँ पे गीजर है गीज़र भी लगा पीछे हुआ है बाथरूम में, बिना वो झिझक दूसरा का, रूम था, मेरे और को अभी पता नहीं एक क्यों मास्टर सारा बेडरूम मेरी भी है। टाइल्स टूटा सब रहता ठीक है, है, ये ऐसा किचन भी पक ठीक है, रहता है थोड़ा सा पूरा। पेंट वेंट कराना पड़ेगा, डैमेज तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वही है सीलन वगैरह का। ठीक है, टाइल्स थोड़ी सी टूटी है, कई कई जगह पे तो बहुत मतलब टूटी फोर्थ रहती फ्लोर है, में तो आदमी मैंने रह नहीं ही नहीं देखा सकता था, है ऐसी पहले जगह जाओ पे। मुझे और अब जो मैं जा रही हूँ, ये मास्टर बाथरूम है, अब मैं जो आ रही हूँ वो मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ पे ये ऐसा है, और इसमें भी एक अटैच बाथरूम है। तो वो गंदा था थोड़ा, मतलब कार्डबोर्ड सब फेंक फाक के गया था लोग। तो ये है कबर्ड, इसमें फैन वैन सब है, तो सब ओवरऑल ठीक है। बस यही है कि लिफ्ट नहीं चल रहा है, और कुछ भी चीज़ के लिए बाहर ही आना जाना पड़ेगा। कोई आपका अगर पार्सल भी आएगा तो उसके तो लिए अब हम बाहर। वापस घर आ चुके हैं, आप लोगों ने तो क्वार्टर देख ही लिया होगा कि क्वार्टर का क्या कंडीशन है। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम दूसरा के लिए अप्लाई करेंगे, अगर दूसरा अच्छा मिलता है तो उस दूसरे में जाएंगे, वरना यही तो है एक्चुअली। इसमें फोर्थ फ्लोर है, लिफ्ट काम नहीं कर रहा था, सीलन वगैरह था, सीलन वगैरह था, इसीलिए तो सोच रहे हैं कि हम एक बार अब बस बिंदी चाहिए इसको, लो आओ लो बिंदी लो। हाँ बेटा, पेंट है कितने के पेंट है इसके? दो बस एक भी बिंदी टिकने नहीं देता, लाओ दो तुम पे ले लगा दे, बिट्टू, लो दो इसको बिंदी खाया निकाल के बेटा, थी। बेटवा तो ऐसे ही दिनों भर पर ले है। अरे इसके लिए बिछवा दिए ना, ये हाँ खेल रहा बेटा आओ, था, ये लो पेंटू लो। रुकिए ना इसको बिंदी लगाएं। हाथ में चिपक गया। अली बाबा चुंदर चुंदर। चलो दिखा दो छपको अपना थोबला बिंदी वाला। माथा दर्द है तो पैंट पहनो। ये तो वही फिर देखते हैं, अगर दूसरा अच्छा मिल जाता है तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, वरना सोच रहे थे कि इस महीने शिफ्ट हो जाने के लिए, लेकिन अब लगता नहीं है कि इस महीने शिफ्ट होंगे। अब क्या चाहिए, अब भी बिंदी नहीं है तो अभी गया है लोग समोसा वगैरह लाने, देखते हैं खाने में। खाने में क्या खाइएगा? खाना खाने में खाना, वाह। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा चाय वगैरह बनाने और चेंज करने, ये येलो पीछे कलर का का है सूट क्या? जो पीछे वाला आ क्या गया, चाहिए ज्यादा अब? पीछे खुश हो गया। छोड़ने का कलर आएंगे। ठंडा में चलता है, तबीयत खराब हो जाएगा। छोड़ जाना कल में। आओ खटू, फिर खीर खीर डांटिएगा। अदू 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 ऊ देख, काटू 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 ऊ काटू नहीं डरवाइए ना, ऊ ऊ इसके पापा इसको छिपकली से डरवा दिए हैं, डरा दिए थे, अब वो डरने लगा काटू है। इतना काटू मत डराइए। ये पीछे का देखो, बारिश के चक्कर में हमें घर में रस्सी बांधना पड़ा था। काटू। तो चलो थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं वापस से।
हेलो हेलो। तो मैं वापस से आ गई हूँ, अभी बज रहा है 8 और मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने। और खाना में मैं आज स्पेशल बनाऊंगी, इसीलिए मैं सोची कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। वैसे आज है नाग पंचमी, हमारे में तो ऐसे पूजा पाठ तो अभी होगा नहीं, क्योंकि मैंने रीज़न आपको पिछले वाले व्लॉग में बता दिया है कि क्या रीज़न है। तो इसी लेकिन फिर भी मतलब आज नाग पंचमी है तो मेरी मम्मी बनाई थी, तो मेरा भाई भी बोल रहा था, उसको भी खाने का मन था, उसको एक्चुअली घर का खाना नहीं मिलता ना, तो इसीलिए मुझे बोला नहीं बनाने के लिए, लेकिन पूछा कि तुम नहीं बनाओगी, तो मैं उसको कुछ बोली नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बना देती हूँ। वैसे हम लोग भी नहीं खाते हैं अब, मतलब डेली डेली थोड़ी बनता है ये सब। तो आज मैं बना रही हूँ पुआ और आलू मटर का सब्ज़ी और पूड़ी, मैं भूल गई थी कि क्या बना रही हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ। वो अभी आलू वगैरह लाने, आलू और रिफाइंड तेल लाने के लिए मुझे आ गया। ऐसे मैं रिफाइंड तेल रखती नहीं हूँ अपने, मतलब ये सब नहीं खाना चाहिए तो इसलिए मैं रखती नहीं हूँ। तो वही सब लाने गया है बाज़ार, बुग्गू का डायपर भी ख़त्म हो गया था तो वही दोनों को मैं भेज दी, तो वो लोग गए लाने, तो वो लोग लाएंगे। तब तक मैं बैटर वगैरह सब रेडी कर लेती हूँ, पुआ का घोल वोल सब रेडी कर लेती हूँ। पता नहीं वो लोग गुड़ का खाएंगे या चीनी का खाएंगे, वो लोग आएंगे तो खुद ही बोलेंगे। तब तक मैं बाकी जो है वो सब रेडी कर लेती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे क्या बना रही हूँ। यहाँ पर मैं पुआ बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। यहाँ पर मैं सूजी काट के, कटा हुआ था तो वही मैं सूजी निकाल रही हूँ। आटा और मैदे चीनी का घोल मैंने प्रिपेयर कर लिया है। मैं सोची कि गुड़ वाला तो वो लोग खाएंगे नहीं क्योंकि उसे पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं चीनी ही डाल के घोल दी थी। पहले मैं हाथ से घोल रही थी, मुझे लगा कि मैं नॉर्मल आटा ही गूंद रही हूँ, फिर याद आया कि नहीं आटा नहीं गूंद रही हूँ, फिर मैं हाथ धो के विस्कर से घोल रही थी तो उसे घुला नहीं, स्पैचुला नहीं विस्कर बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उससे मैं घोल रही थी तो उसे घुला नहीं ठीक से, क्योंकि मैंने जो आड़ा और काजू भी डाल दिया था। तो फिर मैं वापस से हाथ से उसको घोली, तो उसको थोड़ा देर मैं फूलने के लिए छोड़ दी थी। यहाँ पर मैं अब चीनी डाल रही हूँ और इसको मैं घोल के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करूँगी। तब तक मैं सब्ज़ी का तैयारी कर लेती हूँ। मेरा आदत है ना कि मैं पहले सब प्रिपेयर कर लेती हूँ उसके बाद मैं काम चालू करती हूँ। मेरी मम्मी का आदत है कि वो पहले गैस चालू करेगी, कढ़ाई या बर्तन चढ़ाएगी, उसके बाद प्रिपेयर करते रहेगी, बनाते रहेगी। मेरा वैसा आदत नहीं है, मेरे से होता नहीं है वैसा। मैं पहले आराम से सारा प्रिपेयर कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद सब बनाऊँगी। और अब भी मेरा बुगू सो के उठ गया है, जब मैं यहाँ पे अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये सोया हुआ था, अभी छो के उठ गया है। बोलो हेलो, बोलो सबको। बोलो हाँ बोलो। तो यहाँ पे मुझे याद आया कि मुझे हाथ से नहीं करना है, मुझे घोलना है, तो यहाँ पे मैं घोल रही थी, फिर उससे घुला नहीं ठीक से, वो अटक रहा था, तो फिर मैं हाथ से ही घोलने लगी। हाथ से इजी पड़ता है घोलने में, फटाफट वो गांठे बन जा रही थी, मैंने काजू भी डाला था ना तो वो ठीक से घुल नहीं रहा था, देख लो कितना मेहनत करना पड़ रहा है। फिर मैं सोची कि छोड़ो ये सब हटाओ, हाथ से ही घोल लेते हैं, तो वही मैं घोल रही थी और पूरा भर भी गया था ना तो गिर रहा था सब साइड से इधर उधर। किशमिश भी डालने से, छुहारा डालने से इसमें अच्छा लगता है, लेकिन किशमिश तो मैंने बताया ना कि बारिश से सब ख़राब हो गया, पूरा एकदम कीड़ा लग गया है, धूप निकलता भी नहीं है अभी। और यहाँ पे बेल बजा तो वो लोग आ गए डायपर और सब लेके, तो वही फिर मेरे जो भगने हैं वो आके मजाक कर रहे थे, मजाक मतलब कि बता रहे थे कि मामा को, मतलब मेरे भाई को कुछ भी नहीं आता है, वो सौंफ में मंगाई थी तो सौंफ क्या है उसका गूगल पे सर्च करके उसका इमेज देख के खोज के तब लेके आया है, तो वही हम हंस हंस के बात कर रहे थे। ऐसा है मतलब अभी उसको सौंफ के बारे में भी नहीं पता है, चलो मेरे थ्रू उसको थोड़ा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, जब उसका शादी होगा तो उसकी वाइफ उसको बोलेगी ये सामान ले आओ तो वो कम से कम गूगल सर्च तो नहीं ना करेगा। तो मैंने यहाँ
पे सारी तैयारी कर ली है। ये मैंने अभी से धनिया पत्ता काट लिया है। यहाँ पर मैदे पुआ का घोल, इसमें मैंने सूजी थोड़ी सी और आटा और मैदा, सौंफ, चीनी और छुहाड़ा काट रही थी तो उसमें बड़ा टाइम लग रहा था तो मैंने फिर नहीं काटा, ये काटा है। काजू, यहाँ पे प्याज मिर्ची मैंने काट लिया है, ये मटर, ये खड़े मसाले, यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और यहाँ पे आलू बॉईल हो चुका है और यहाँ पे मैंने आटा सान के रखा हुआ है। तो ये सारी मैंने प्रिपरेशन कर ली है, अब तेल गरम होगा मैं इसमें डालूँगी। यहाँ पे मैंने मसाले बोल के रख लिए हैं। तो मैंने प्रिपरेशन तो सब कर लिया, एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल इनका सुबह वाला ड्यूटी है, तो जल्दी खाएंगे तब ना जल्दी सोएंगे तब ना जल्दी उठेंगे, वरना नहीं सोएंगे तो नींद पूरी नहीं होगी। तो चलो मैं फटाफट से बना लेती हूँ, क्या दिखाऊँ सबको, तो आता ही होगा आलू मटर की सब्ज़ी बनाना। मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। यहाँ पर गरम तेल में मैंने खड़े मसाले और प्याज डाल के अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं मसाले डाल दूँगी इसमें। ये फ्रोज़न मटर है तो बस, तो इसे फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, इसे मैं थोड़ा सा मसाले के साथ ऐसे ही फ्राई कर दूँगी। बाकी अभी इसे फ्राई करके थोड़ा सा और रेड होने देती हूँ, इसको ब्राउन होने देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें ये जो मैंने मसाले अभी प्रिपेयर किया हुआ है ये डालूँगी। मैं ऐसी मसाले वाली कुछ भी सब्ज़ी बनानी होती है ना, मैं ऐसी बनाती हूँ ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से फूल जाएं। यहाँ पे आलू मैंने निकाल लिया है, यहाँ पे देख लो ये थोड़ी सी और गोल्डन हो गई है, और मैं इसमें ये मसाले ऐड कर दूँगी। तो जैसा आप लोग देख रहे हो कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो ऐसे ही फ्राई करके अब मैं इसमें थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद मटर डालूँगी। मटर डाल के थोड़ा सा इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद नमक और थोड़े से थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल के आलू डाल के मैं पानी डाल के इसको ढक के 5 मिनट पकाऊँगी, बस रेडी हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें मैंने आलू मटर सब डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है, और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है ऊपर से, अपने हिसाब से पानी डालिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। मैं इसे अब ढक के 5 मिनट पकाऊँगी बस, क्योंकि आलू ऑलरेडी पका हुआ है, वो मैं सारे मसाले इसमें घुस जाए इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा पकाऊँगी, और उसके बाद फिर धनिया पत्ता से आप गार्निश कर लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूँगी, उसके बाद ढक देती हूँ। तब तक ये पके तब तक मैं बर्तन धो लूँ, कप प्लेट है सब चाय वगैरह का, तो मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पर ये आलू मटर बन के रेडी है, मैं धनिया पत्ता डाल देती हूँ, डालकर इसे ढक देती हूँ, तब तक जो धनिया पत्ता का जो फ्लेवर है इसमें आ जाएगा। मैंने थोड़ा ग्रेवी छोड़ा हुआ है क्योंकि हमें पुआ और पूड़ी के साथ खाना है इसीलिए, और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा वो जम भी जाता है, मैं इसे ढक दे रही हूँ। सो फाइनली आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है, और यहाँ पे मैं रिफाइंड तेल काट के अब पुआ बनाने जा रही हूँ। मेरे पास एक ही छोटी कढ़ाई है, बड़ी बड़ी कढ़ाई तो है बहुत, दो है, लेकिन बड़ी कढ़ाई में कौन ही बनाएगा, छोटी कढ़ाई मतलब कंफर्टेबल होता है बनाने वगैरह में, तो इसी में मैं तेल डाल के इसको खाली करके मैंने धो लिया है ऐसे हल्का सा। इसमें मैं बनाऊंगी पुआ पूड़ी, इसी में बना देती हूँ। सब्ज़ी मैंने खाली कर लिया है तो अभी मैंने धोया है ना, तो इसीलिए उसको मैं गर्म कर रही हूँ ताकि जो भी पानी है वो सब सूख जाए, वरना तेल ऐसे करेगा पट पट पटाके। तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दे रही हूँ।
यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ और बचा हुआ तेल मैं बॉटल में रिफ़िल कर दूँगी। मैं यूजुअली ऐसा करती हूँ ना कि कोई बर्तन में रख के तब, क्योंकि वो ट्यूब नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैं कोई बर्तन में रखती हूँ। और मैंने इस बर्तन में रखा हुआ है जिसमें मैंने आटा गूंदा था, उस बर्तन में मैंने रखा है ताकि जो तेल गिरे आजू बाजू से तो वो आटे में मैं लपेट दूँ, तो वही मैं कर रही थी। या फिर ऐसे बर्तन में रखती हूँ ना, जैसे कि दाल अगर निकाल के रखूँ तो वैसे बर्तन में रखती हूँ जिसमें मैं दाल रखूँ, तो उससे इजी होता है, तेल वेस्ट भी नहीं होता है और यूज़ भी हो जाता है। तो यही मैं कर रही थी यहाँ पर। और यहाँ पे मैं पुआ बनाऊँगी, अभी तेल गर्म होगा तो मैं सोची कि पुआ और पूड़ी छान छान के आपको दिखाऊँगी, लेकिन तब तक मेरे फ़ोन का स्टोरेज ही फुल हो गया था। अभी घर से गए थे ना तो बहुत सारा फ़ोटो वीडियो सब बना के रखी थी, तो इसीलिए फ़ोन का सारा स्टोरेज फुल हो गया था, तो मैं नहीं बना पाई थी, बड़ा अफसोस हो रहा था। लेकिन क्या करें, देख लो ऐसी देख लो आप लोग, मैंने पुआ यहाँ पे बनाया है। फिर थोड़ा सा मैं लास्ट में क्लिप ऐड कर दूँगी, मैंने मैं जब थाली सजा रही थी तब मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। मैं यहाँ पे पांच पांच निकाल के, छोटे छोटे पुए पांच निकाल के रख दूँगी, अलग साइड कर दूँगी, क्योंकि हमारे में ऐसा नियम है ना कि अगर सास नहीं रहती है तो सास के लिए पहले अगर ऐसा कुछ बनता है तो वो अलग निकाल दिया जाता है। और मेरी सास को तो पुआ पसंद भी था बहुत, और जब हम जाते थे घर तो बोलती थी कि मुझे बबी या पूजा कह के बुलाती थी, तो बोलती थी मुझे कि हाँ मेरे लिए बना दो। वो खुद घोलती थी पसंद से और बोलती थी कि छान देने के लिए, तो मैं बना देती थी उनके लिए। उनके लिए क्या, सभी के लिए बना देती थी, सबके लिए करती थी। तो यहीं पे मैं अलग करके पानी डाल के और प्रणाम कर ली, जहाँ पे भी रहे वो आशीर्वाद देती रहे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थाली ऐसी, मैंने क्लिप लिया है शॉर्ट्स में अपलोड करने के लिए, तो वही मैं सजा रही थी तो सोची ऐड कर दूँ।